फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड एकदम अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है दशहरा वाले दिन का, यानी कि कल का। तो सबसे पहले आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम से ही आज ब्लॉग शुरू हो रहा है। आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना कि बस कुछ रीज़न ऐसा हो गया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज का दिन भी शेयर किया जाए थोड़ी सी, मतलब आज की आपके दिन के याद साथ ही मतलब थोड़ी सी आज की यादें शेयर की जाएं। तो अभी मैंने सुबह को मशीन वगैरह सब लगाई हुई थी, कपड़े उपड़े धुले थे तो वही मैं उतार के लाई थी, लेकिन तह नहीं बनाई थी। और अभी ये धुल रहे हैं गाड़ी नीचे हस्बैंड, तो मैंने सोचा आज मैं मतलब इन कपड़ों की भी तह बना देती हूँ। बच्चे गए हैं खेलने के लिए और ये कम्बल वगैरह भी मैंने सब धुला था, तो मैंने सोचा इनकी तह बना देती हूँ आज। और इतने मतलब हस्बैंड गाड़ी धुल रहे हैं नीचे, क्योंकि आज हमें जाना है कहीं बाहर घूमने के लिए। क्या हुआ ना कि बच्चों का सुबह से ही बहुत ज़्यादा मन है मतलब दशहरा दिखाने का, लेकिन यहाँ पर ना हम मतलब बाहर रहते हैं हस्बैंड के साथ, जहाँ पे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो मैं कभी गई नहीं हूँ और हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पर कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, क्योंकि आज तक हमने जाके देखा ही नहीं है और ना ही कोई इधर से जाता हुआ देखा है। तो हमें कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि कैसा मेला लगता है नहीं लगता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज चल के देखते हैं। तो आप सब भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं यहाँ का मतलब रावण वगैरह कैसा होता है, कैसा मनाया जाता है, कैसा मेला लगता भी है नहीं लगता। तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने सोचा अभी बना देती हूँ इन कपड़ों की तय, क्योंकि ये फिर रह जाएंगे तो ये मेरा काम जाएगा सीधा कल को वहाँ से आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं इन सबको जल्द जल्दी से फोल्ड करके फिर चलते हैं रावण देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बना दी है सारे कपड़ों की तय। अब मैं आराम से जो है जा सकती हूँ मेले में घूमने के लिए। आज यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जाएंगे 8-9 साल में। मैं कभी यहाँ का दशहरा का मेला देखने नहीं गई हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत ही लगता है, तो देखते हैं कैसा लगेगा। और आज ये वाली कुर्ती ना मैंने एकदम फर्स्ट टाइम पहनी है, तो ये भी बताना ज़रूर कैसी लगी, ठीक है। देखो हम हो रहे हैं जाने के लिए तैयार और यहाँ पर खिंच रहा है इनका फोटो। ऐसे ही दिखोगे फोटो में जैसे ऐसे में दिख रहे हो, ठीक है, अलग नहीं दिखने के। चलो ये देखो, सही है, खींच लो खींच लो। ये दोनों देखो पूरे खुश हैं जाने के लिए। भाई साहब बना, देखिए गाइस यहाँ खींच रहे हैं फोटो और फोटो खींचने वाला है अक्स। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे खींचे जा रहे हैं फोटो। मैंने सोचा चलो आज मैं भी एक दो फोटो खिंचवा लेती हूँ। मैं बहुत कम फोटो खिंचवाती, क्योंकि जब से वीडियो वीडियो बनाने का काम शुरू किया ना, तो इसमें से ही मैं एक दो अच्छे अच्छे मतलब क्लिप छांट करके उनका ही स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी फोटो खिंचवा लेती हूँ, इसके बाद चलिए चलते हैं मेला देखने के लिए। सीधे ही चलेंगे, धूल जम गई, धूल जम गई। ये देख कितना बढ़िया सजा भाई, चलो हेलो नहीं चलो। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं यहाँ पर, आके देखा तो कुछ भी नहीं था। और हुआ क्या ना कि हम जल्दी भी बहुत आ गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसा लगता है कैसा नहीं। और हम जल्दी बहुत आगे घर से आ गए थे 6:30 बजे और 7 बज गए हैं अभी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा ना कुछ खाने का ना पीने का। तो बच्चों को गोलगप्पे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लोग खा रहे हैं। और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इन्हें एक एक ही खिलाया था, बाकी इन्हें बाद में नहीं खिलाया, क्योंकि अगर गला पकड़ लेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ झूले वगैरह भी नहीं थे, बस ये कूदने वाला जंपिंग वाला था, तो ये लोग जंप कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे, हमें तो खैर दिमाग ख़राब ही हो गया, कुछ भी नहीं था यहाँ पर
मेले में, मतलब ऐसा देखने के लिए जिससे आगे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। तो चलिए अब इसके बाद सीधा घर चलते हैं। देख लिया, अक्ष कहाँ गया अभी? अक्ष अभी हैं हम रास्ते में और जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टाइम बर्बाद करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। घर चलते हैं, अपना खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे। और बस गेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी कर रखी थी, लेकिन और कुछ भी नहीं था। रामलीला वगैरह भी नहीं हो रही, जो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, वो भी 8:30 बजे के करीब शुरू होगी। और फिर यहाँ हम 1-1.5 घंटा फालतू में रुक के भी क्या करते, तो मन नहीं लग रहा था। अभी आए हैं तो यहाँ पर ले रहे हैं मोमोज वगैरह बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने मांगा है, और जो भी लेना है बच्चे खा लेंगे। थोड़ा सा भूख भी लग रही है, क्योंकि भूख का टाइम है। मैंने यही सोचा था कि जल्दी से घूम के आ जाएंगे, फिर आके खाना वाना बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो बस इसीलिए जो है हम आ गए हैं वापस। और अभी यहाँ से लेकर सीधा घर चलते हैं, और वहीं पर मैं अब आपको मिलती हूँ, ठीक है? देखिए मेला, कुछ नहीं होता यहाँ के मेले में, कुछ भी नहीं था। 88% मूंगफली लेकर आ गई। तुम दोनों तो कूद भी लिए। कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मन ही नहीं लगा। आधा पौन घंटे, 1 घंटा हो गया, 6:30 बजे गए, 7:30 बजे वापस आ गए। कुछ भी नहीं था वहाँ, बिल्कुल मन नहीं लगा। अब आके खाना वाना बनाएंगे, अपना खाएंगे। बस पहली बार गए थे, पता नहीं था, अगर पता होता तो हम जाते ही नहीं गए, ऐसा लगता वहाँ पे। अब होगी शायद 9-10 बजे करीब भीड़ होगी। उन्हीं के बच्चे ले गए यहाँ से 6 बजे, 6 बजे कहीं कुछ हो गया वहाँ है करके बवाल। जानकारी नहीं होती तो बात भी मान लें किसी की। खाओ भाई मोमोज, पार्टी चल रही है इन दोनों। 9:30 बजे अभी जाओ वहाँ। क्यों? 9 बजे जाते हैं आराम से, 12 बजे आते हैं। हाँ तो भाई जाता है। चलो खा लो। नहीं तेरी तो मोज आ गई, दोनों की मोज आ गई। तुमने गोलगप्पे भी खा लिए और क्या, उस पर कूद भी लिए। सही बात है, तुम तो कुछ कर भी आए, हमें देखो बोरिंग बोरिंग होगी। घूम घाम के ऐसी भागी है। चलो खाओ। तो फ्रेंड्स, घर आने के बाद से बस बच्चे खा रहे हैं मोमोज, और चाउमीन भी लेकर के आए थे, और बर्गर मुझे पसंद है। मैं बाहर का ना बहुत कम खाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं, पर आज थोड़ा सा लेकर के आए हैं, क्योंकि व्रत वगैरह भी उतरे हैं और बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं खाया। भूख भी बहुत लग रही थी, मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती। तो बस ये दशहरा वाले दिन का थोड़ा सा वीडियो बनाया है। और दशहरा हमारे यहाँ पर नहीं पूछता, मतलब पूछता भी है घर पे, पूछता मैं नहीं पूछती। मैं मतलब मेन जो त्यौहार वगैरह होते हैं वही सब करती हूँ, क्योंकि घर पे ही हमारे करते हैं। जब बड़े होते हैं ना तो हम लोग नहीं करते, पर जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन त्यौहार होते हैं, जैसे कि अभी मतलब दिवाली आ रही है, और ये अमावस्या गई है, नवरात्रे, इस तरह के मतलब त्यौहार मैं घर पे मनाती हूँ, पूजती हूँ, मनाती सारे हूँ, लेकिन पूजा पाठ वगैरह बड़ों के आगे हम लोग बहुत कम करते हैं। वहाँ से आने के बाद में मैंने ये सब खाया, और मेरे सिर में मतलब इतना दर्द सा अजीब सा ही, मतलब मुझे सिर में चोट लगी है ना, तो कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छी हूँ और अभी 2 मिनट के बाद ही मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वही मेरे साथ हुआ। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था और चक्कर आ रहा था, तो बस उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई। 2-4 बर्तन है वो भी नहीं धुल पाई, और यहाँ पर हस्बैंड से लगवा रही हूँ तेल, तो थोड़ा मालिश कर रहे हैं ना, बहुत मुझे सुकून मिल रहा है मालिश करवाने से। तो बस ये थोड़ा सा क्लिप मैंने दशहरा वाले दिन का शूट किया था। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह का बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जल्दी ही मिलूँगी आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, और एक बार आप सबको हैप्पी दशहरा।